गाइस अभी हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से लखनऊ 150 से 200 किलोमीटर है और इस टाइम रात का हो रहा है 8 बज रहा है और ऑलमोस्ट मेरे को 12 बज जाएंगे लखनऊ पहुँचते पहुँचते। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। सो हे गाइस वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग्स। अब चलते हैं आगे, फिर रात के कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए, बाकी मज़ा आ रही है चलने में। गाइज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो पूरा टोल है, जो आगरा से लखनऊ या फिर लखनऊ से आगरा तक का टू व्हीलर का 290 रुपीज़। सो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और स्कूटी फिर से पंचर हो चुकी है और हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्प लेने के लिए मैं बुलवाया हूँ। सो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये गाड़ी है गाइज हाईवे पेट्रोलिंग की जिनको मैंने बुलाया है हेल्प के लिए। जाएगी जाएगी, डाल लो फिर वहाँ तक पहुँच जाओ, दुकान तक पहुँच जाओगे आप, वहाँ जुड़वा लेना। हाँ जुड़वा लेना। अपना वो बोल दीजिए सर। हाँ सर बताइए, आप कहाँ से कहाँ, पहले अपना नाम मोबाइल नंबर बोलो। तो गाइज हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने काफ़ी हेल्प की थी पंचर रिपेयर के दौरान, और जो पंचर रिपेयर्स वाले हैं उनका तो एकदम रेट्स एकदम हाई हो गया रात में, और उनको आने जाने का एक्सपेंस कोई कह रहा है 800 रुपये लेंगे पंचर बनाने का, कोई कह रहा है 600 रुपये लेंगे, तो एट द एंड 300 रुपये में काम हो गया। एक्सप्रेस वे में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। अभी एक्सप्रेस वे के ही रेस्टोरेंट में हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चिकन राइस लिया है और चिकन चाउमिन वगैरह अब यहाँ पे खाते हैं। थोड़ी देर 2-3 घंटा रेस्ट करते हैं, रात के 1 बज रहे हैं। सो फिर रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 5 बजे, तो डायरेक्ट अलाहाबाद चलते हैं, सीधा ब्रेकफास्ट खाते हैं और नींद बहुत तेज आ रही है। आधा मैंने खा लिया चिकन राइस और ये टी है। सो गाइस मॉर्निंग के अभी 6:30 हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अब सीधा कानपुर के लिए, हालाँकि लखनऊ तक का टोल लिए थे हम लोग। तो कानपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कानपुर से इलाहाबाद की रोड काफ़ी अच्छी है और ट्रैफिक वगैरह एकदम नहीं होता है। अगर लखनऊ से इलाहाबाद जाएंगे तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, रोड भी बहुत ज़्यादा डैमेज रहती है और बहुत ज़्यादा धूल होती है रोड पे, तो सबसे दिक्कत वाली बात थी ये। इसलिए लखनऊ से इलाहाबाद नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कानपुर से इलाहाबाद जा रहा हूँ क्योंकि रोड भी अच्छी रहेगी। सुबह का टाइम है, देखता हूँ आगे क्या दिखाने लायक है तो वो आप लोग को दिखाऊँगा। कानपुर में अभी गाइज भाइयों से मीट एंड ग्रीट हुई है कानपुर वाले दोस्तों से। अभी मैं व्लॉग नहीं किया उनके साथ क्योंकि यार मिला था, थोड़ा बातचीत करना था। सो फिर फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो व्लॉग करेंगे, इत्मीनान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इलाहाबाद हाईवे पे हैं, इस तरफ इलाहाबाद है और यहाँ से ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर है, तो आई होप शाम तक पहुँच जाऊँगा और इस टाइम बज रहे हैं 1, बाकी चलते हैं। एंड गाइज टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और कल मैं इलाहाबाद आ गया था और जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की थी पूरी जर्नी में वो 1150 किलोमीटर समथिंग थी, सिटी भी एक्सप्लोर करने के बाद में। और बाय द वे मैं अभी अपने नए वाले फ्लैट में हूँ और आई होप गाइस आप लोग को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसे ग्रे कर दीजिएगा। और अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा, बाय बाय।